नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से। भारतीय मानवाधिकार संगठन द्वारा नगलापदी अंबेडकर वाटिका में रैली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटों को समझाओ एवं जन जागृति अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान जनता को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान जनता को हर प्रकार की मदद मिले, जनता को उनके अधिकार मिले, उनके लिए भारतीय मानवाधिकार संगठन कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ है और आश्वासन दिया कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कोहली, भाजपा महानगर मीडिया संयोजक दुर्गेश पांडे, क्रीड़ा भारतीय महानगर संयोजक मोहित वर्मा जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान शिवशंकर झा, मुकेश कुशवाहा, राकेश कुशवाहा, साहिल अग्रवाल, दीपू कुशवाहा, कुमार पुष्कर, कुमार सुंदरराम, राजेंद्र कुशवाहा, रजत कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। जी, मैं अरुण कोहली, भारतीय मानवाधिकार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो प्रोग्राम हो रहा है, किस विषय पर हो रहा है? हम लोग पूरे भारत देश के अंदर और खास तौर से अपने आगरा शहर के अंदर हर इतवार की भांति हम लोग हर इतवार को आगरा के विभिन्न मलिन बस्तियों में, वाल्मीकि बस्ती में, पिछड़ी बस्तियों में जा जाकर एक जन जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सके। चाहे वो घरेलू हिंसा हो, बाल यौन शोषण हो, बाल विवाह हो, हर प्रकार के अधिकारों के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। और आज भी हमने इस इतवार को नगलापदी अम्बेडकर वाटिका में इस वाल्मीकि बस्ती में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो कि हमारे पदाधिकारी दीपू कुशवाहा जी, राकेश कुशवाहा जी और हमारे संजय दूते जी के अनुसार इस कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया कि ताकि यहाँ भी हम जनता को, अधिकारों को, उनके प्रति हम लोग उनको जागरूक कर सकें। क्योंकि आज भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो कि शिक्षा से दूर हो चुके हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि संगठन की तरफ से, संगठन जितना ज़्यादा हम अपना जोर दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग शिक्षित कर सकें, लोगों को हम लोग इस चीज़ के लिए अवेयर कर सकें कि आपके लिए शिक्षा क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारा भारतीय मानवाधिकार संगठन संपूर्ण भारत देश के अंदर जन जागरूकता अभियान लगातार चला रहा है। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है। मुझे भारतीय मानवाधिकार संगठन ने जिला सचिव का पद नियुक्त किया है और मैं कहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं आगे चाहता हूँ कि मैं जिम्मेदारी को पूरी अपने तन मन धन से करूँगा। और मैंने जो अभी आज ही आगरा में एक नया कैंप कार्यालय खोला हुआ है, मेरे निवास पर है, 37/319 नगलापदी। इसके लिए मैं सभी लोगों को, कोई समस्या हो तो मेरे पास आए, लिखित में सूचित लेके। हाँ, आज हमने एक और कार्य किया कि बहुत अधिक जागरूक रैली निकाली हमने। आज रैली में जो है भूल हत्या है, दहेज उत्पीड़न है, हेलमेट लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन चीज़ों पे हम कार्य करते हैं और हम सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे। नमस्कार, मैं संजय गूते, कारवाग जिला अध्यक्ष, भारतीय मानवाधिकार संगठन। आज हमने अपने क्षेत्र में छोटे बच्चों को साथ लेकर और दहेज में समाज में व्याप्त घरेलू हिंसा, मारपीट, अत्याचार, इस पर एक रैली निकाली जिसमें हमें सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग मिला। और एक अभियान और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने चलाया है। मैं मुकेश कुमार कुशवाहा, भारतीय मानवाधिकार संगठन जिला अध्यक्ष। भारतीय मानवाधिकार संगठन की तरफ से संपूर्ण भारतवासियों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भारतीय मानवाधिकार संगठन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि मोदी जी का एक अहम उद्देश्य है, उसको लेकर आगे बढ़ रहा है और हम अपने सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए हम जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ हम इस समाज के प्रति पुलिस जनता की दोस्त का एक आयोजन भी रखा गया है, जिसमें हम जनता के बीच में पुलिस प्रशासन को बीच में लाकर उनके सामने रूबरू कराते हैं, उनकी रूबरू उनकी शिकायतें दर्ज की जाती है और उनका निवारण किया जाता है।